तो व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक पतली सी लकीर होती है, लापरवाही की लकीर। यानी कि अगर लापरवाही हुई तो व्यवस्था अव्यवस्था बनकर मुसीबत खड़ी कर देती है। हमीरपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यह सड़क किनारे नाली बनाई गई पानी का जमाव हटाने और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए, पर इस नाली से कुछ निकला या नहीं निकला, मुसीबत जरूर बढ़ी, जिम्मेदारों ने अपनी जेबें जरूर भरी। सहयोगी कुलदीप की पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में सबका साथ और सबका विकास, विकास के नाम पर लोगों को क्या भरोसा जा रहा है उसकी एक झलक मैं दिखाने जा रहा हूँ। और जब भी विकास की बात होती है तो यहाँ पर जेई से लगा के, और अगर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला अगर आप समझेंगे तो बहुत से अधिकारी होते हैं जिनके पास वो एस्टीमेट जाता है, एस्टीमेट की स्वीकृति मिलती है, इसके बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जा सकता है। एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक नाला बना हुआ है, नाला देख लीजिए और सड़क देख लीजिए, पानी कैसे पहुँचेगा इस नाला में। महज कुछ कट बनाए गए हैं जिनके माध्यम से नाले में पानी पहुँचेगा। मैं अपने कैमरामैन से और पास से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ की जो तस्वीरें हैं किस तरीके से नाला का निर्माण हुआ है। आधा अधूरा निर्माण है और तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए का बजट उस नाले में लगाया जा चुका है। करीब करीब 1.5 फुट की ऊँचाई इस नाले की और इस रोड से है। अगर इस प्रकार के ही निर्माण कार्य विकास कार्य कहकर लोगों को परोसे जाते रहेंगे तो आखिरकार लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बनी ही रहेंगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो लगातार लोगों को उन परिस्थितियों से, उन समस्याओं से गुजरना ही पड़ेगा। और ये पूरा मामला हमीरपुर ज़िले के मौदहा विकास खंड क्षेत्र के गाँव बिगहना का है, जहाँ पर यह नवनिर्मित नाला है और नाले की किस तरीके से गुणवत्ता है और नाले का जो कहीं ना कहीं एक तरीके से सोच होती है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं लोगों की उसको कम किया जाएगा। अगर वाकई में इस नाले का निर्माण हुआ है, महज जो सड़क है उससे 1.5 फीट ऊंचे ऊंचाई पर है अगर नाला, तो जो सड़क का पानी है वो आखिरकार किस तरह से नाले पे जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए कुलदीप धुरिया।